हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम ट्राई करते हैं लौकी के लच्छे या कपूरकंद के लच्छे। देखिए, मैंने लौकी को छील लिया है और अब मैं इसको कद्दूकस करूंगी। लौकी की हमें ये डंडी नहीं काटनी है, इससे तो हमें लौकी को खींचने में थोड़ी सहायता मिलेगी। देखिए, पूरा ऐसे करके देखिए, ऐसे लंबे लंबे पूरे लंबे लच्छे निकालने हैं हमें। देखिए जितनी लंबी लौकी है, अगर बहुत लंबे नहीं निकल रहे तो आप इसे थोड़ा काट के छोटा भी कर सकते हैं, पर कोशिश यही करें कि ये पूरे के पूरे लौकी के लच्छे निकल जाएं। और केवल ग्रीन पार्ट के निकालने हैं हमें, जो अंदर के बीज हैं वो नहीं निकालने। देखिए, ये मैंने लौकी के लच्छे ऐसे निकाल लिए हैं। ये हमें केवल हरा हरा हिस्सा निकालना है, अंदर का ये वाले नहीं, ये नहीं कसना है, सिर्फ ऊपर से जो हरा हरा हिस्सा है वो निकालना है। ये देखिए, मैंने ऐसे कस लिए हैं और ये मैंने सारे लच्छे ऐसे अरेंज कर लिए हैं और इनको मैं अब बांध के, जिससे हमें इन्हें पकाने में सुविधा रहेगी, इसलिए इनको ऐसे बांध के अब मैं इन्हें चाशनी में पकाऊंगी। मैंने चीनी को पानी, एक कटोरी चीनी डाली थी और उसमें आधा कटोरी पानी, और अब ये मेरी चीनी गलने लगी है और अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची एसेंस डालूंगी। और ये जो हमने लौकी के ये रखा है बांध के, इसको मैं इसमें पकने रख दूंगी। ये देखिए, ऐसे इसको हमें पकाना है। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी चीनी डाली है और ये दो लौकी थी जो मैंने कसी हैं छोटी छोटी। बस ये है कि ये आपको लच्छे पूरे जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें उतने लंबे के लंबे निकालने हैं। अब इसमें लौकी का भी अपना पानी आ जाएगा थोड़ा सा, उसी में ये हमारी लौकी पक के तैयार हो जाएगी। देखिए, मैं इनको भी डाल देती हूँ जो मेरे और हैं। लौकी, इलायची एसेंस डाला, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है उसकी। देखिए, ये थोड़े छोटे लौकी कसी नहीं जा रही थी तो ये मैंने लौकी को काट के दो टुकड़े कर लिए और उससे निकाले हैं, तो थोड़े छोटे छोटे हैं ये लच्छे। ये हमें बाद में खोलने पड़ेंगे, जब हमारे बन जाएंगे तब हमें इन्हें खोलना पड़ेगा। देखिए, ये ऐसे आप चाहें तो इसमें खाने वाला हरा रंग भी डाल सकते हैं, उससे रंग बहुत अच्छा आ जाएगा लौकी का। देखिए कैसे सीधे सीधे लौकी के लच्छे पूरे लंबे लंबे हैं, ऐसे ही निकालने हैं। ये मैंने कद्दूकस से निकाले हैं और एक पिलर भी आता है जिसमें छोटा सा कद्दूकस लगा होता है, उससे आसानी से निकल जाते हैं। कद्दूकस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दबा के निकालने पड़ते हैं पूरे लंबे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की। इसमें आप इलायची की जगह कोई और फ्लेवर डालना चाहें, गुलाब की, केवड़े की, जो भी आप फ्लेवर डालना चाहें वो आप इसमें मिला सकते हैं। मैंने इलायची डाली है, अब इसमें हमें इन्हें अलटते पलटते पकाना है जब तक कि हमारे ये कढ़ाई छोड़ना ना शुरू कर दें। देखिए, अब मैं आप देखिए, अब हमारे ये चाशनी सूख गई है और हमारे लच्छे भी, देखिए ये देखिए लच्छे भी हमारे चाशनी में पक गए हैं। अब ये कढ़ाई छोड़ने लगी है, अब इसको चलाते हुए देखिए सफ़ेद कैसे होते हैं। देखिए, ये बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, ये कढ़ाई छोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए सफ़ेद होने लगे हैं बिल्कुल नीचे से। इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देंगे
गैस इंडक्शन जो भी आपने चला रखा है, और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। तब हम इनमें मिल्क पाउडर मिलाएंगे थोड़ा सा। आप चाहें तो इसमें इस स्टेज पे थोड़ा सा मावा भी मिला सकते हैं, जिससे ये मावे से कोट हो जाएंगी और भी टेस्टी लगेंगे खाने में। मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा मिल्क पाउडर। ये देखिए, ऐसे ही इनको मिल्क पाउडर में कोट कर देंगे, खाने में और टेस्टी लगेंगे मिल्क पाउडर लगने से। अब ये ठंडे हो जाते हैं तो मैं आपको इनको खोल के दिखाती हूँ आपको ये कैसे बने हैं। अभी हमें 5-10 मिनट ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं इनके, फिर दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, अब मेरे ये लच्छे ठंडे हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कैसे, कितने अच्छे बने हैं, खिले खिले। ये थोड़े से जब चिपक जाते हैं चीनी की चाशनी में बनाते हैं हम, तो ज़रा हल्का सा ठंडा होने लगे और आपकी हाथ गर्मी बर्दाश्त कर सकें। इतने गर्म होने पे जो भी चिपके हुए हैं उन्हें आप ऐसे ऐसे खोल लें, और ये बिल्कुल ऐसे देखिए ऐसे खुले खुले बनेंगे। ये देखिए, और इसमें मैंने गुलाब का एसेंस डाला था, बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है, और मैंने इसमें मिल्क पाउडर मिला दिया है, तो ये खाली चीनी में पगे भी नहीं लगेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जब मावे वाली हम मिठाई खा रहे हैं। ये देखिए, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारे कितने लंबे लंबे, कितने अच्छे अच्छे बने हैं। ये देखिए, बिल्कुल सूख गए हैं अब ये, और मैंने इसमें मिल्क पाउडर मिलाया। देखिए अभी बिल्कुल, और मैंने कलर इसमें बिल्कुल नहीं डाला। इन्हें कहते हैं कपूरकंद के लच्छे या लौकी के लच्छे। लौकी की लोज तो हम सब बना ही लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हटके अलग है, और खाने में देखने में सब तरह से बहुत अच्छे लगते हैं। कोई कोई पीस चिपक जाता है तो उसे आप खोल लें ऐसे। देखिए, अगर इसमें हम कलर डालते तो ये ग्रीन कलर और अच्छे से आ जाता है। ये लौकी जैसी थी ओरिजिनल, बिल्कुल उसी का कलर आया है, मैंने इसमें कोई कलर नहीं डाला। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे लंबे लंबे, जितनी बड़ी हमारी लौकी थी हमने पूरी कोशिश करी है वो पूरे लंबे निकालने की। ऐसे ही आप ट्राई करें, आप होप आपको बहुत पसंद आएगी ये मिठाई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपने ट्राई करा तो आपको कैसे लगा। थैंक यू।